मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन में है। वे सुबह 11 बजे यहां पहुंचे। सीएम नरसिंह घाट के पास समन्वय परिवार के आश्रम में शामिल हुए। यहां स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। सीएम महाकाल कॉरिडोर देखने पहुंचे। मुख्यमंत्री शहर में 3 घंटे से ज्यादा समय तक रहेंगे। नरसिंह घाट रोड पर शंकराचार्य मठ के पास निलयम में भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज की मूर्ति लगाई गई है। मूर्ति का अनावरण करते हुए सीएम ने कहा, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज जी के आशीर्वाद से हमारा देश, हमारी सांस्कृतिक आगे बढ़ रही है। उनका आशीर्वाद सर्वदा हम सब पर बना रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि हर सिद्धि मंदिर से महाकाल मार्ग को अब संत सत्यमित्रानंद जी के नाम से जाना जाएगा। सीएम मूर्ति अनावरण के बाद अथर्व होटल में संतों के कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में वैदिक बटुकों ने मंत्रोच्चार कर पूजन कराया। इस अवसर पर जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेश नंद गिरी महाराज, श्री राम मंदिर ट्रस्ट अयोध्या के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज, चिदानंद महाराज, अखिलेश नंद महाराज, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक पारस जैन, छत्रसाल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर TR पाठक, समन्वय परिवार के वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन आएंगे। ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में दी। मोदी यहां महाकालेश्वर दर्शन करेंगे। इसके बाद महाकाल विस्तारीकरण योजना के तहत पहले फेज में तैयार महाकाल पथ, रूस सागर और UDA के यात्री सुविधा केंद्र का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद महाकाल कॉरिडोर को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इससे पहले PM इसी साल जून में आने वाले थे, लेकिन तब पंचायत और निकाय चुनाव के कारण आचार संहिता लगने से प्रधानमंत्री का उज्जैन दौरा रद्द हो गया। मुझे याद है महाकुंभ के अवसर पर, सियांग के अवसर पर उन बेटियों को सोने का वो लॉकेट कहते थे महाराज, मुझे भी एक कार्यक्रम बुलाया। धर्मांतरण जैसे प्यादों के खिलाफ उन्होंने जागरूकता फैलाने का काम किया। उनके प्रवचन हमें सद्बुद्धि देते थे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। और भारत माता का जो मंदिर उन्होंने बनाया वो ऐसा अद्भुत मंदिर है कि देखते ही हम धन्य हो जाते। भारत माँ का मंदिर बनाया, आपने हर बार दर्शन किया हो। ऐसे हम सबकी प्रेरणा आज उनकी जिस प्रतिमा का अनावरण हुआ है, सब उनका बहुत दिव्य है, भव्य है। ऐसा लगता है जैसे भानपुरा पीठ पे उस अवस्था में लोग बैठे हो और हम सब के आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं।